दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिकी एंटरप्राइजेस। साईप्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित किया गया सूचना के अधिकार के तहत प्रशिक्षण शिविर 2015 के नियमावली के क्रियान्वयन के लिए किया गया कार्यक्रम। मुख्य सूचना आयुक्त ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहुत आवश्यक हो जाता है सूचना अधिकारियों को इस तरह का प्रशिक्षण देना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक, लंबित मामलों के विवेचक रहे मौजूद। ग्राम विकास के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों के साथ की बैठक, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का जाना हाल। व्यापारियों के साथ एडीएमई ने की बैठक, एसपी क्राइम भी मौजूद रहे। बलात्कार करने वाला अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल, एसपी साउथ ने किया मामले का खुलासा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से की वार्ता। बलात्कारी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, जीजा की नाबालिग बहन से किया था दुष्कर्म। केंद्रीय कर्मचारियों के नवनियुक्त कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। छत्रपति साहू जी महाराज की 145वीं जयंती पर अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने किया उन्हें याद, चित्र पर किया माल्यार्पण, कहा महाराज का रहा है बहुमूल्य योगदान। और आकाशीय बिजली गिरने से दो महिला एक पुरुष की हुई मौत, एक घायल, कैंपियरगंज।